नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी टॉक और आपके साथ मैं हुरमाना अलवी। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके जरिए निभाए गए रोल्स लोगों को अभी भी याद हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। अलिफ लैला के सिंदबाद जहाजी हो या फिर फैंटम के हाफिज सईद का किरदार, मानो ये रोल इन्हीं के लिए लिखे गए हों। शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। अगर नहीं समझे तो डायरेक्ट मैं आपको मिलवा देती हूं शाहनवाज प्रधान से। सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि शुरू में जब हम मतलब सुना है अलिफ लैला के बारे में, जब लोग उसे देखते थे, आपका वो कैरेक्टर लोग अभी तक याद रखते हैं, तो क्या वही कैरेक्टर था जिससे आपको पहचान मिली या उससे पहले कोई रोल आपने निभाए थे? हाँ, ज्यादा पहचान तो इसी से मिली, क्योंकि इससे पहले तक मैंने जो रोल किया, जहां से रोल को अप्रिशिएट किया गया, वो था श्री कृष्णा, जो रामानंद सागर साहब ने बनाया था। और उसमें मैंने चार किरदार निभाए थे, लेकिन उसमें भी जो महत्वपूर्ण किरदार था वो था नंद बाबा का। तो वो काफी पसंद किया गया था, लेकिन चूंकि उसमें सारा गेटअप होता था, दाढ़ी विग वगैरह वगैरह, इस शक्ल को लोगों ने पहचाना अलिफ लैला से, सिंदबाद जहाजी के जरिए। सर लेकिन आपसे यहाँ पे ये भी चीज जानना चाहेंगे कि अगर आज की जनरेशन को हम देखें तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, पर आपको शायद उतना नहीं करना पड़ा, तो आपको इस मामले में आप लकी मानते हैं? नहीं, उल्टा है ये। उस वक्त कम थे साधन, कम थे, और सिर्फ फिल्म था और टेलीविजन था और फिल्म थी। अब तो ये है कि इतने चैनल हो गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो ज्यादा मौके हैं लोगों के पास काम करने के, और स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ अपने बायोडाटा और फोटो अपलोड करने होते हैं, और आपके मुताबिक अगर कुछ है तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल करके बुला लेता है। हमें तो दफ्तरों में जाके अपने फोटो छोड़ने होते थे, प्रिंटेड बायोडाटा बना के देना होता था, स्ट्रगल करके बड़ी मुश्किल से हम डायरेक्टर के सामने पहुंचते थे। पहले हमको असिस्टेंट डायरेक्टर को पटाना होता था, शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो इस तरह का था वो, और महीनों निकल जाते थे उसमें। सर लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लोगों को एक जरिया मिल रहा है, आपने भी कई सारी वेब सीरीज की हैं, तो आपको लग रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से जो नए कलाकार हैं उनको भरपूर मौका मिल पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, नए भी और पुराने भी जो साइडलाइन हो गए थे, बहुत से ऐसे स्थापित कलाकार भी मतलब हैं जो इन दिनों बिजी हो गए हैं ओटीटी की वजह से, वो बेचारे घर बैठे हुए थे। कुछ थे ऐसे हालात फिल्मों में, उनको मतलब साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन ओटीटी के आने की वजह से उसके बाद उनको काफी काम मिलने लगा और वो फिर से बिजी हो गए। और नए लोगों के लिए भी काफी मौका है, क्योंकि अब वो चिकने चुपड़े चेहरे नहीं चाहिए ओटीटी में, जिस तरह के सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग होती है, तो उसमें सारे लोगों के मौके हैं। सर मौके की बात आपने कही, तो यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक वो दौर था पुराना, एक आज का दौर है, तो आप कितना फर्क महसूस करते हैं इन दोनों दौर में? आप बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। टेक्निकली हम काफी स्ट्रांग हो गए हैं, और आपको याद होगा रामायण और महाभारत के समय जिस तरह की तकनीक इस्तेमाल होती थी, तो एक पूरा एपिसोड तो सिर्फ तीर के इधर से उधर जाने में गुजर जाता था, है ना। मैं मतलब वो कह रहा हूँ क्योंकि वो देखा है, आप सबने देखा है वो दौर, हमने भी देखा है। अब तो डिजिटल है सारा मामला, तो मतलब 20 मिनट में आपका एपिसोड यूं निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चल, अरे खत्म हो गया। तो वो चीजें हुई हैं, रफ्तार उसमें भी हुई है, कहानियों में काफी बदलाव हुआ है, एक्टिंग के पैटर्न में काफी बदलाव हुआ है, टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग हुए, तो वो फर्क तो पड़ा है। सर और किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वेब सीरीज की अगर हम बात करें, या टीवी इंडस्ट्री की बात करें? चूंकि वेब सीरीज वगैरह जो बन रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, वहां पे थोड़ा सा सेंसर का दखल उतना नहीं है, तो बहुत सी ऐसी कहानियां और सीन्स हमें देखने मिलते हैं जो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा उसमें वो ड्रॉबैक है। अदरवाइज कहानियां काफ़ी अच्छी बन रही हैं, अच्छे प्रेजेंटेशन हैं, उस लिहाज से तो ठीक है। ओटीटी में अच्छे सब्जेक्ट जो फिल्मों में या उस तरह से नहीं दिखाए जा सकते, लोग अपनी मर्जी के मुताबिक बालिक लोग देख सकते हैं अब, और अब तो मतलब एक बटन जेब में रखा होता है सारा थिएटर जो है आपका मोबाइल के रूप में, तो वो सारा फर्क जो है वो तो है। टेलीविजन अभी भी सुरक्षित है, घर में बैठ के आप देख सकते हैं, उसमें सेंसर है, फिल्मों में भी काफी हद तक दायरे में रहता है सारा मामला। सर सबसे ज्यादा पसंद की गई वेब सीरीज मिर्जापुर में आप एक अलग ही रोल में नजर आए जी, अगर हम बात करें तो मिर्जापुर सीरीज का थर्ड पार्ट कब तक आ सकता है? मैं अभी यहाँ
उसका थर्ड पार्ट शूट मैंने 21 तारीख को अपना जो पार्ट था वो मैंने खत्म कर लिया, और सीरीज का शेड्यूल जो चल रहा है उस मुताबिक 30 तारीख को इस महीने की आखिरी दिन होगा इस थर्ड सीजन के शूटिंग का। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा जो कि 5 से 6 महीने लग सकते हैं इसमें, जो कि पिछला इनका इतिहास रहा है दोनों सीजन का। तो मेरा ख्याल है कि 2023 जून जुलाई तक संभावना है कि आप इसका तीसरा पार्ट देख पाएंगे। दोनों सीजन जो आपने देखे हैं, पसंद किए हैं, उसमें वही मेरा किरदार है, परशुराम गुप्ता, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, और हीरोइन, दो हीरोइनें थी, पहली हीरोइन का तो पहले सीरीज में ही उनका देहांत हो चुका है सीन के हिसाब से, उनका पिता हूं, और काफ़ी लेयर हैं इस कैरेक्टर में, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे करने में, और बहुत सारे उसके किरदार के ही अलग अलग हिस्से हैं। तो वही रोल है परशुराम गुप्ता का, वही कंटिन्यू हो रहा है थर्ड सीजन में भी। अब चूंकि होना क्या है इस थर्ड सीजन में, मैं ये शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ हूँ, वो हमें इजाजत नहीं है उसको शेयर करने की। मतलब इस बार कह सकते हैं कि मिर्जापुर जो पार्ट 3 आ रही है उसमें आपका कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा मतलब लोगों को देखने को मिलेगा। जी जी है, वो पार्टिसिपेशन तो है ही, वो किरदार चूंकि दो सीरीज से चलता आ रहा है तो सफर जारी है उसका, अब वो कहाँ तक जाएगा ये आपको देखने पर ही पता चलेगा। सर एक चीज और यहाँ पे पूछनी थी मुझे आपसे, रामानंद सागर जी के साथ आपने काम किया, उनके बारे में ये कहा जाता था और ये देखा भी गया है कि उनके जितने भी सीरियल्स आते थे वो डबिंग कराते थे, लेकिन आपके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसके लिए फाइट किए, होना यही था, और क्योंकि होता ये था कि उस जमाने में जब हम कृष्णा शूट कर रहे थे, मेरा जुड़ाव उनके साथ कृष्णा से हुआ, सन 1991 की बात है ये, तो जब नंद बाबा का किरदार मेरा फाइनल हुआ तो वो किरदार इतना मुझे अपने आप में इतना अपील करता था, और मैं काफी नजदीक समझता हूँ अपने व्यक्तिगत रूप से भी, मैं उस जो एक उसका नंद बाबा का जो किरदार है उससे काफी रिलेट करता हूँ ऐसा लगता है मुझे। तो मैंने उनसे वो ये सिलसिला वही था कि उमरगांव में शूट होता था, बॉम्बे से काफी दूर गुजरात बॉर्डर पे है एक जहां स्टूडियो था वृंदावन स्टूडियो, जहां पूरी रामायण शूट हुई है वहीं कृष्णा भी शुरुआत हुई थी। तो होता ये था कि हम शूट करते थे, वो टेप यहाँ आ जाता था एडिटिंग बॉम्बे में, वहां पे फिर डबिंग आर्टिस्ट होते थे, हम लगातार शूट करते रहते थे महीनों महीनों, और एक आध दिन की छुट्टी बीच में होती थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम पापा जी कहते थे रामानंद सागर साहब से, मैंने कहा पापा जी मैं करना चाहूंगा डबिंग, आओ पुत्र तेरे को कहाँ वक्त मिलेगा, तू शूटिंग करता है वहां जाके डबिंग करना पड़ेगा बॉम्बे में मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं पापा जी, मैं शायद मैं ज्यादा न्याय कर पाऊंगा उस कैरेक्टर के साथ, तो अगर आप इजाजत दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आने जाने का जो भी मतलब वो होगा, मेहनत रात में निकलना है सुबह पहुंचना है डबिंग करना है वापस आना है फिर शूटिंग करना है वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन मुझे मौका दीजिए कि मैं खुद करूं डबिंग। तो इस तरह वो किसी तरह वो लड़ाई मैंने जीती उनके कृपा से, और कुछ कैरेक्टर खाली एक दो कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, जैसे चाणूर एक कैरेक्टर था जो कंस का दाहिना हाथ होता है तो वो विलन था, और कभी बड़े रोचक किस्से हैं उसमें कि ये दो किरदार नंद बाबा और चाणूर कभी एक सीन में दोनों होते थे, ऐसा भी हुआ है, तो वो फिर वहां पे हमको मुश्किल थोड़ी हो रही थी, तो उसका डबिंग हमने करवाई चाणूर की जी। और नंद बाबा मैंने किया, और फिर राजा बली और शूरसेन जो वसुदेव के पिता थे, इस तरह से चार रोल मैंने नंद बाबा। सर आपने कहा आपको फाइट करनी पड़ी, अगर हम फैंटम पे जाएं तो फैंटम में जो आपने किरदार प्ले किया हाफिज सईद का, चैलेंजिंग वो भी था, लेकिन रियल लाइफ चैलेंज कितना आपको झेलना पड़ा उस कैरेक्टर के बाद? वो भी थोड़ा सा जिंदगी का हिस्सा बना है वो। अब चूंकि वो रियल लाइफ कैरेक्टर है तो बहुत से मतलब लोगों के जहन में वो सारी चीजें सामने हैं, देखा हुआ है, उनका फुटेज उपलब्ध है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज तो एज एन एक्टर मेरे लिए था कि मैं कितना न्याय कर सकता हूँ उस रोल के साथ। तो शुरुआती आधी लड़ाई तो मैंने जीत ली थी गेटअप की वजह से, वो गेटअप इतना जबरदस्त मैच हुआ था फेस के साथ, वो कास्टिंग डायरेक्टर का कमाल है कि उन्होंने सोचा कि इस चेहरे के साथ दाढ़ी मूछ लगाने के बाद क्या लगेगा, फैंटम मतलब हाफिज सईद लगेगा या नहीं, वो उनकी कल्पना थी, और जो बाद में गेटअप के बाद वो सामने आई, तो वो तो आधा काम उससे हो गया था। थोड़ा बहुत मैंने उनके फुटेज देखे हाफिज सईद के, जो स्पीचेज हैं और सारी चीजें हैं, उनके मैनरिज्म हैं, छोटे छोटे कुछ चीजें वो करते हैं जैसे होता है आमतौर पर, देखा गया है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो वो उनको मैंने फॉलो करके कोशिश की कि जितना हो सके उसको ढालने की कोशिश की। असली जिंदगी में फाइट जो रही मेरी वो ये कि जब फिल्म रिलीज हुई उसके दो दिन पहले ही मुझे प्रोडक्शन हाउस से फोन आ गया था कि आप अच्छा उस वक्त भी ये शर्त थी कि किसी को नहीं बताना कि आप ये रोल कर रहे हैं जी।
बहुत से लोगों ने रिलीज के बाद, जो मेरे खास दोस्त हैं जिनसे मैं रोज मिलता था, वो फिल्म देख के आ गया, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि शाहनवाज ने रोल किया। अच्छा। तो ये भी एक अच्छा उसका वो था। तो असली जिंदगी में ये हुआ कि दो दिन पहले मुझे फोन आया कि साहब आप कोई फोन अटेंड नहीं करेंगे दो तीन दिन पांच दिन तक घर से, आप जहां आपको रहना है लेकिन आप उससे बाहर नहीं आएंगे, ना किसी को बताएंगे कि आप कहाँ हैं। अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा मुझे, क्योंकि कुछ ऐसा प्रोडक्शन हाउस में थ्रेट आया था कि इन्होंने कैसे मतलब हाफिज सईद और ये वो उड़ा दिया जाएगा वगैरह वगैरह जो भी उस तरह का। तो वो एक फाइट रियल लाइफ में भी हुई मेरे साथ, तो वो लेकिन ठीक है। बाकी सब फैमिली के लिए कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आपके लिए तो था ही, लेकिन फैमिली के लिए कितना रहा कि फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना? हाँ, वो दो चार दिन तो थोड़ा सा लोग सभी उसमें गुजरे उस दौर से, लेकिन बाद में सारा नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं डर तो लगा होगा आपको भी कि फैमिली को कैसे सपोर्ट करूं, कि इस तरीके के कॉल्स या इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं वो ना हो? डर हाँ थोड़ा तो, मतलब चूंकि अब जिस तरह से उन्होंने कहा था तो हमको उसको उस चीज को लिया सीरियसली हमने, और कोशिश करके हम अपने आप को संभाल कर रखा हमने तीन चार दिन पांच दिन, और थोड़ा बहुत तो डर लगता है, इंसान है। सर यहाँ पे ना आपका फेवरेट कैरेक्टर कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ सबसे अच्छा है, उसके दो एक दो डायलॉग हो जाए मैं दर्शकों के लिए। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि होता ये है कि अब हालांकि जो मतलब फेमस कैरेक्टर्स हैं वो तो सारे बरसों हो गए, तीस तीस साल हो गए हैं उन सबको निभाए हुए। सर मिर्जापुर, मिर्जापुर तीन में आप नजर आने वाले हैं, तो मिर्जापुर तीन का ही कोई डायलॉग या फिर दो का? हाँ, मिर्जापुर टू का मैं आपको एक सीक्वेंस, आप जिन लोगों ने देखा है उनको तो याद आ ही जाएगा, अदरवाइज सीक्वेंस ये है कि जो गुंडा है मेन विलन है उसके बेटे ने मेरी बेटी को मार दिया है, और उसके बाद ये पुलिस वाला है चूंकि, और हालांकि उससे रिश्वत लेता है सब कुछ कालीन भैया से, तो एक तरह से उनसे दबा हुआ है, उनका एहसान भी है, लेकिन फिर भी चूंकि बेटी मरी है तो वो एक गुस्से से भरा हुआ उसके वहां पहुंचता है और उसे कहता है, मुन्ना भैया जो कि खुद भी उस वक्त फायरिंग में घायल हुए हैं वो पड़े हुए हैं, और जाकर वो कहता है कि काहे काहे मारे आप स्वीटी को, क्या दोष था उसका, अरे बच्ची तो हमारी मरी है, आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ कालीन भैया, बहुत गलत हुआ है ये सब ना, अच्छा नहीं किया मुन्ना भैया आपने। ये इस तरह का छोटा एक सीन है प्रॉपर, वो भी उसको भी तीन साल हो गए हैं, मैं थर्ड सीजन का मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता, बट वो उस कैरेक्टर के साथ ये है कि बड़ा अजीब सा मतलब वो है कि एक तरफ उसी का दिया हुआ खा रहा है वो मतलब रिश्वत के तौर पे, लेकिन चूंकि बेटी मरी है तो वो एक गुस्सा भी अंदर बाप के तौर पर, तो अच्छा वो सीन है, आप देखिएगा, अगर ना देखा हो तो आप जरूर देखिए और तीनों सीजन देखिए। जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे थे, शाहनवाज प्रधान जी हमारे साथ है, तो बातों का सिलसिला जो है वो हम लगातार रखते हैं। सर जाने से पहले आपने एक डायलॉग सुनाया, थोड़ा सेंटी सा माहौल हो गया था, एक और डायलॉग हो जाए थोड़ा हैपनिंग माहौल करने के लिए? ऐसा कुछ फिलहाल एकदम से जहन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मिमिक्री किसी की हो जाए अगर? हाँ जी, मिमिक्री कॉमेडी वो सब नहीं होता उससे, मैं किरदार को अपनाने में यकीन रखता हूँ, किसी और की नकल, हालांकि हर किरदार जो है वो नकल की नकल होती है, क्योंकि राइटर जब लिखता है तो वो रियल जिंदगी से उस कैरेक्टर को उठाता है और लिखता है, फिर उसको अदाकार जो है उसको अपनाता है, वो एक नकल है, फिर उसको जब प्रेजेंट करता है स्क्रीन ऑन स्क्रीन या थिएटर में भी अगर जो एक्टर लोग करते हैं तो वो नकल की नकल हो जाती है, तो इस तरह से नकल ही है, लेकिन चूंकि जो स्थापित कलाकार है उनकी मिमिक्री, मैं उनको बड़ा कलाकार मानता हूँ, वो भी अपने आप में एक महान काम है, हमने अभी अपने मित्र राजीव श्रीवास्तव को खोया है, वो कितना महान काम उन्होंने किया, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वो उस पक्ष की तरफ कभी मैंने ध्यान दिया नहीं, तो मैं बस जिस तरह से कर रहा हूँ आपका मनोरंजन वही करता रहना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे सर ऑडियंस का प्यार तो आपको लगातार मिल ही रहा है, वो तो आप भी देख रहे हैं, ऑडियंस दे रही है लगातार, हम भी देख रहे हैं। सर अगर हम बात करें, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, क्या वजह आपको नजर आती है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अभी तक वो पहचान नहीं मिल पाई जो बाकी कलाकारों को या बाकी जगहों के जो आर्टिस्ट हैं उनको मिल रही है, चाहे वो साउथ की बात करें या बॉलीवुड की बात करें? अगर हम छत्तीसगढ़ की जो फिल्में हैं वो अपना उस तरह से जैसे मतलब जब बनना शुरू हुई थी 2000 में जब राज्य बना और उसके बाद फिल्में आई, तो ऐसा दौर चला कि मतलब
अजीब सी फिल्में बनने लगी, और वो चूंकि उसमें जो एक जहां से शुरुआत हुई थी हमारी जो छत्तीसगढ़ की 35-40 साल पहले 50 साल फिल्म जो बनी थी घर द्वार और ये सब फिल्में, कमाल की फिल्म थी वो, उसके बाद बिल्कुल बंद हो गई। और जब नया दौर आया छत्तीसगढ़ राज्य का तो धर्रा आ गया, मतलब फिल्मों का दौर ऐसा आ गया कि कोई भी उठकर फिल्म बनाने लगा। उसने बड़ा नुकसान किया, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि हम कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, अपनी मिट्टी को हम सही ढंग से मतलब प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमने लबादा ओढ़ लिया, फिर वहां से उस हिंदी फिल्म प्रसिद्ध फिल्म में उसका कुछ मसाला उठा लिया, परोस दिया। वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी अपना स्थान बनाना है तो आपको अपनी बात करनी होगी, अपनी मिट्टी की बात करनी होगी, जो हमारे राइटरों का मतलब कुछ कमी रही या डायरेक्टर जो भी कह ले, तो वो एक नुकसान किया उस चीज ने। बस ये सारी चीजें, और नेशनल लेवल पर हम अपने आप मतलब उसको सर्कुलेट नहीं कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए उन चीजों को, उसकी वजह से हमारी पहचान उस तरह से नहीं बन पाई। सर अगर आपकी बात करें तो आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई, कि आपने हमेशा से सोचा था कि आपको एक अभिनेता ही बनना है? नहीं, ये शुरुआत हुई स्कूल टाइम से। हमने स्कूल में जब थे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल रायपुर की जो है, वहाँ होता यह था कि वार्षिक उत्सव होता था और उसमें हर कक्षा से कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता था। तो हमारी कक्षा से एक नाटक तय किया गया जिसका नाम था फिर लड़ेंगे। ये कमाल की बात है कि आज देखिए उस बात को हो गया कुछ 41 साल हो गए हैं, लेकिन वो जो उस वक्त लिखा गया था नाटक आज भी वैसा ही है। उसमें यह है कि हिंदू मुस्लिम दो दोस्त हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं, और एक प्रतीकात्मक कैरेक्टर था राक्षस। जब हिंदू और मुस्लिम साथ हैं तब तो सब कुछ माहौल अच्छा है, लेकिन राक्षस जहां से बीच में आके दोनों पे फूट डालता है, उनकी लड़ाई हो जाती है और फिर उसके बाद वो दोनों को नचाता है। तो ये फिर लड़ेंगे, ये इसका टाइटल था। तो अब राक्षस चूंकि मैं थोड़ा सा, आज भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह सेहत है, तो क्लास में उस तरह का मैं ही था, तो राक्षस बना दिया गया मुझे ढकेल के। तो वो उस तरह से शुरुआत हुई और फिर वो शौक लग गया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ की लोकल जो थिएटर ग्रुप थे उसको ज्वाइन किया। फिर मैं पहुंचा स्वर्गीय हबीब तनवीर साहब के पास जो कि मेरे गुरु रहे हैं, और उनके साथ करीब 5 साल तक प्रोफेशनल थिएटर किया मैंने। दिल्ली हमारा हेडक्वार्टर था, सारे देश की यात्रा की उनके साथ रह के, और वहां से कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में जाएंगे। लेकिन एक दौर 5-6 साल उनके साथ रहने के बाद कुछ पारिवारिक स्थितियां थी, कुछ आर्थिक स्थिति थी जिसकी वजह से मजबूर होकर मुझे, कि अब ये सोच लिया था कि हाँ इसी को अगर पेशा बना लिया तो, लेकिन कमाई उस तरह की नहीं होती थी, थिएटर से उतने पैसे नहीं मिलते थे, तो मैंने फिल्मों में जाने का सोचा। तब जाके फिर निर्णय लिया और मैं बॉम्बे चला गया, अब जो मुंबई है। जी सर, अगर हम मुंबई की बात करें तो कौन से अभी जो सेलिब्रिटीज हैं वो आपके पसंदीदा हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे इसके साथ काम करने का मौका मिले, या मैं काम करना चाहूंगा? पिछले दौर के जहां हम प्रशंसक रहे हैं उनमें मुझे बलराज साहनी साहब और मोतीलाल जी और ये सारे लोग जो हैं जिनकी नेचुरल एक्टिंग थोड़ी सी इस तरह की होती थी कि वो लगता ही नहीं था कि अभिनय कर रहे हैं। बाकी तो स्टारिज्म, जब बाकी जो हीरो थे वो सब अपना उनका एक उनकी अदा थी और वो इसीलिए पसंद किए जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई उस तरह की तमन्ना नहीं है कि किसी के साथ काम करना। जहाँ ये है जो बुनियाद हमने जब जो मिली है हमें जो पिछले जो हम करते हुए आए हैं, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस जरूर मिला है कि हम किसी के भी साथ काम करें तो अपना जो पार्ट है वो ईमानदारी से अदा कर पाएं, और वही मतलब हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल सर, जाते जाते IBC 24 के जो दर्शक हैं और आपके जो फैंस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के जरिए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल पर बुलाकर, और जिसकी वजह से मैं अपने प्रदेश के और आपके चैनल के दर्शकों से जुड़ सका। बस आप सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपना स्नेह और प्यार जो अब तक मुझे आप 30-32 साल से दे रहे हैं ऐसे ही बनाए रखें, और मैं आपका मनोरंजन करता रहूं, और आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया इसके लिए। और आज के हमारे सेलिब्रिटी टॉक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।